बहुत सारे लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हो चुका है, जैसे कि हमारा जो पुराना V3 थे उसको हमने सेल कर दिया है, समझ रहे हो। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम टू माय चैनल डी व्लॉग्स बेबी। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आप लोगों को ऐसा शक्ल देखने को मिल रहा होगा, और मतलब कि अभी जो ना गाइस, मैं गुवाहाटी पे नहीं हूँ, मैं कहीं और आया हूँ, और इसका ब्लॉग तो मैंने बनाया नहीं है। जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ पे तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, तो कुछ ब्लॉग आएगा नहीं। एक्चुअली सीन क्या है, कुछ ब्लॉग मैंने ऑलरेडी शूट करके रखा था पहले, तो उसका जो है ना कुछ स्टोरी लाइनिंग था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे कहकर जो है स्टोरी लाइनिंग बनाया जाए, समझ रहे हो। तो वही कुछ सीन है मैन, तो बहुत दिन से ब्लॉग नहीं किया था ना, तो इसलिए मैंने शंकर ने प्लान किया कि भाई सुबह सुबह पहले जैसे हम उठ के शूट वूट वगैरह करते थे वही सब काम चालू करेंगे। तो सुबह सुबह गए। ओके गाइस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शंकर सर एंड मैं अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल कुछ शूट करने के लिए डिचांग रिसोर्ट, तो वहीं चलते हैं और वहीं चल के मिलते हैं। हम लोग पहुंच तो गए हैं डिचंग, और अभी यहाँ पे करना है शूट। देखते हैं लोकेशन, अच्छा सा लोकेशन, मतलब यहाँ पे देखते देखते हमारे आंखों के सामने जो एक मस्त सा बिल्डिंग बनाया है वहीं पे जाके हम करेंगे शूट। और आज इतना शौक से Insta360 लेके आया था, पर सैड बात ये है कि इसमें चार्ज ही नहीं है मैंने। ओके गाइस, तो शंकर सर का डांस वीडियो शूट तो वो हो चुका है, एंड वो सब कुछ भी चीज़ जो मैं करता हूँ ना गाइस, वो करता हूँ विद दिस निकॉन Z30। एंड भाई इससे जो है ना बहुत ही अच्छा, मतलब कि सब चीज़ आराम से कर सकते हैं, समझ रहे हो। और जैसे कि पता ही आप लोगों मैन, एंड निकॉन Z30 जो है ना वो ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है, प्लस इसका जो स्क्रीन वगैरह जो है ना वो बहुत ही फ्लिपेबल है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, सपोज मान के चलो कि भाई शंकर सर वहाँ पे है, एंड शंकर सर इस एंगल पे, आइए देखो शंकर सर इस एंगल पे अगर डांस कर रहे हैं, तो मैं जो लगा लो एंगल अगर शॉट लेना है ना, तो इसको ऐसे करके देखो मैं स्क्रीन फ्लिप वगैरह होता है, तो स्क्रीन फ्लिप वगैरह करके मैं ऐसे लो शॉट ले सकता हूँ, जो कि हमने लिया भी है, समझ रहे हो। तो वही कुछ सीन है मैन, एंड सब शूट हो चुका है डन, अब यहाँ से निकलते हैं, एंड लेट्स गो। ओके गाइस, तो वही कुछ सीन है मैन, और आ गए घर। घर आके जो है ना गाइस, हेयर कट वेयर कट हमने कर लिया है, क्योंकि हम जो है ना जा रहे हैं कल कलकत्ता। हाँ वेकियंस, तो मैं क्या कह रहा था कि हम जा रहे हैं कल कलकत्ता। बाय द टाइम यू आर वॉचिंग, मैं शायद से कलकत्ता के वे में होऊंगा, ऑन द वे रहूँगा, और वही कुछ सीन है। तो कलकत्ता जाने से पहले जो है भाभी जी से मिलना बहुत ही ज़रूरी है, समझ रहे हो। तो अभी हम जा रहे हैं भाभी जी से मिलने, एंड मिलेंगे, मूवी देखने जाएंगे, कुछ खाएंगे, एंड ऑल्सो आज 25 December है, विच इज़ क्रिसमस, सो मेरी क्रिसमस टू ऑल माई वेकियंस मैन। और ये मैन बोलने वाला आदत कब जाएगा पता नहीं यार। चलो, तो स्वागत है आपका इस नए ब्रिज में, श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर में। एंड इतने दिनों से मैं कहाँ था, तो बहुत सारे लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हो चुका है, जैसे कि हमारा जो पुराना V3 थे उसको हमने सेल कर दिया है, समझ रहे हो। R5 V3 को जो है अपन ने बेच दिया है। अब ऐसा होता ना गाइस, लाइफ में जब आप थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हो ना, तो हर चीज़ से मतलब जहाँ पे पैसा जा रहा है ना उस चीज़ को आप हटाने का ट्राई करते हो, समझ रहे हो। क्योंकि देखो मैं V3 इतना चला नहीं रहा था, और वो बहुत ही मतलब पड़ा रहा था, क्योंकि जब से 390 खरीदा है मैंने, 390 में ज़्यादा मज़ा आ रहा, तो यही चला गया फील ले के, मतलब V3 का पूरा बैटरी डेड, सब कुछ डेड हो चुका था। तो उसमें मतलब मेरा 2-3 बार बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया, जैसे कि बैटरी चेंज करवाया, बैटरी चेंज करने के बाद भी रखने के बाद फिर से सेल्फ में कुछ इशू आया था, फिर सेल्फ में थोड़ा प्लग वगैरह क्या क्या चेंज किया, तो मतलब खर्चा हो रहा था, समझ रहे हो। उसको चला नहीं रहा था पर खर्चा हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई जो चीज़ मेरा खर्चा करवा रहा है उसको बेच ही देते हैं। आई नो कि मैंने वार्ड दिया था कि मैं उसको कभी बेचूंगा नहीं, उसको मैं रख सकता था, पर देन कभी कभी निकलने का मन होता है ना, और जब वो सेल्फ काम नहीं करता है, तो पहले मैं कितने अच्छे से रखता था, हमेशा सुबह उठ के चलाता था, तो मतलब बाइक अच्छा कंडीशन में था, तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई रख रख के ना कंडीशन ख़राब ही हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके कारण मैंने जो है ना उसको बेच दिया, एंड आई गॉट अ गुड अमाउंट, तो अच्छे दाम मिला, तो मैंने इसलिए उसको उड़ा दिया। चलो मैं फटाफट से भाभी को जाके पिक करता हूँ, एंड मिलते हैं आपको मोटर ब्लॉग जब हम दोनों साथ होते हैं ऐसे ही।
व्लॉगिंग होता है। ओके गाइस, तो आ गए वापस मोटर व्लॉग में। एंड सीन क्या है गाइस, जब मैं तन्नू के साथ होता हूँ ना तो इतना व्लॉग नहीं करता हूँ ऐसे ही, मतलब कि हम लोगों का घूमना फिरना वो सब शेयर करना मुझे पसंद नहीं है इसके कारण। तो वही कुछ सीन है, अभी बज रहे हैं रात के 10, तो अभी जा रहा हूँ घर। मैन रात के 10 क्या 11 ही बजने वाले हैं यार। ओ ओ ओ ओ ओ, ये फ्लाई ओवर पे ना मैंने अभी तक 140 उठाया है मैन, समझ रहे हो। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, पहले जब भी मैं आना जाना करता हूँ ना इस वाले श्रद्धांजलि फ्लाई ओवर पे, बहुत ही मस्त सीन आता है मैन, बहुत ही मज़ा आता है। पर रात के वक्त इतना फाड़ना भी ठीक बात नहीं है। अभी पहले जैसा, अभी जो है ना गाइस पुराना जैसा जोश रहा नहीं, मतलब कि फाड़ने का थोड़ा डर लगता है मैन, ऐसा वाला डर नहीं, पर अभी बहुत जिम्मेदारी बढ़ चुका है लाइफ में तो डरना पड़ता है, समझ रहे हो। वही कुछ सीन है, लेट्स गो टू होम। और इतने दिनों से मैन वही अपना काम में थोड़ा बिजी था एंड कुछ कुछ काम में कर रहा हूँ जिससे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए मेरा खुद का। एंड वही कुछ सीन है मैन, रात को घूमना फिरना व्लॉगिंग इतना करना दोस्तों से मिलना ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है मैन, जस्ट वर्क वर्क वर्क। भाई साहब क्या ही ठंडा लग रहा है मैन। भाई जब से टीवी काटा है ना तो क्विक शिफ्टर यूज करने का अलग मजा है, समझ रहे हो। एंड ऑल्सो पूछ रहे थे कि भाई लास्ट मैंने जो ब्लॉग डाला था ना रॉनी का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए रॉनी को, तो हमारे वेकेंस के तरफ से जो है ना उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, मतलब कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट कलेक्शन हुआ है उसका। आई एम ग्लैड जो मैंने ब्लॉग बनाया है ना वो थोड़ा बहुत काम आया है, उसको थोड़ा बहुत हेल्प आउट हुआ है मैन। अगर हेल्प आउट नहीं होता ना तो भाई बेइज्जती हो जाता है गंदा वाला। क्योंकि इतने दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाल रहा था ना तो इसके कारण मुझे कहीं ना कहीं मतलब कि डर था कि भाई व्यूज़ नहीं आएंगे तो उसको थोड़ा बहुत कलेक्शन होगा भी नहीं, फिर ऐसे ही वो हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड हाँ गाइस, एक रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत कहना कि डेली व्लॉग डालो डेली व्लॉग डालो, अभी फिलहाल पॉसिबल है नहीं। मार्च अप्रैल में जो है ना अच्छा खासा हम बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे मैन, बहुत ही यूनिक कॉन्टेंट। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कल तो कलकत्ता जाना है, रेडी होना चाहिए। अगर कोई कलकत्ता से है तो मुझे कमेंट करना रे, हो सके तो इंस्टाग्राम में DM भी करना रे। चलो मैन अभी रास्ते में क्या ही व्लॉग करना, वही कुछ सीन है। अब सीधे जाएंगे घर, करेंगे व्लॉग को एडिट और करेंगे आप लोगों के लिए अपलोड। एंड आप लोग देख चुके होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। या मैन, तो आज के लोग इतना रखते गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का एंड कमेंट करने का। एंड या मैन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बेबी, पीस आउट।